मोर ध्वज सिंह जी की तरफ से सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार एचवी न्यूज से। आज हमें ग्राम पंचायत शेखुपुरा हाथवंत में श्री मोरद ध्वज जी और छोटू भैया जी के साथ में, तो आइए जानते हैं अभी तक की गांव की समस्याओं के बारे में एवं प्रधान जी के निजी विचार। तो सबसे पहले प्रधान जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोरद ध्वज सिंह और छोटू लोधी जी, मैं इसी गाँव से बिलोंग करता हूँ जी। टॉपर जी, आप जो बैठे हैं वो घर पर ही बैठे हैं मेरे जी। अच्छा, जैसा कि अभी प्रधान पद से आप सभी निवृत्त हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपके गांव में कितने की वोटिंग थी टोटल? टोटल वोटिंग 5700। अच्छा, 5700 जी। तो उसमें से आपको कितने वोट मिले? 1319। तो कितने वोटों से आपकी जीत हुई है? 522 जी। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा, जैसे 522 वोट से आपकी जीत हुई है, तो अभी आप गाँव की जनता को अहमियत देंगे कि वोटों को? जनता वोट एक ही बात है, सबको अहमियत देंगे जी। तो अब तो आप जनता को अहमियत देंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि वोट तो गरीब को भी अहमियत देनी है, अमीर को भी देनी है जी, बराबर को भी देनी है, छोटों को भी देनी, बड़ों को भी, अहमियत सबको मिलेगी। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है गांव में अक्सर लोग मदिरा पान करते हैं और लड़ाइयाँ कर लेते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आगे ऐसा काम ना हो? वैसे तो सबसे ज़्यादा इसी चौराहे पर होती है जी, यहीं शराब की दुकानें हैं जी, मेरे घर से ज़्यादा 70 किलोमीटर दूरी पर जी, और यहाँ आए दिन ये जो शराबी लोग ना झगड़ा करते ही रहते हैं जी। मैं इन लोगों से काफ़ी दुखी हूँ जी। मैं ये साल तो गई, अगले साल प्रशासन और शासन से गुहार लगाऊंगा कि ये ठेका यहाँ से हटवाए जी, क्योंकि ये बिल्कुल बाजार में आ चुके हैं और आबादी क्षेत्र है ये, और स्कूल भी पास में है, नेहरू माध्यमिक स्कूल के बिल्कुल सटे हुए ठेका हैं। मैं इन्हें हटवाने की पूरी कोशिश करूँगा, गाँव से कम 1 किलोमीटर दूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इन ठेकों को हटवाएंगे, अच्छा गांव में कोई ऐसी भी समस्या है जैसे सड़क को लेकर, पानी को लेकर? काफ़ी समस्याएं हैं जी, तो आप इन समस्याओं को लेकर आगे क्या कार्य करेंगे? जितना भी हो सकेगा उतना सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसा अभी गांव में कोरोना के चलते हुए लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें और अपना जीवन रक्षा करें? जो भी हमारे साथ या पास आते जाते हैं उन्हें सबको हम बताते हैं कि दूरी बनाए रखें, गाइडलाइन का पालन करें, मास्क वगैरह, अपने भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए इसके दूरी बनाए रखें, मास्क वगैरह लगाएँ, सैनिटाइजर करें हाथ, और भीड़ भाड़ कम करें, और दूर दूर बैठें उठें, बात करनी है जरूरी है, जो भी जरूरी है उसे वो बात करें, अन्यथा थोड़ा दूरी बनाए रखें। अच्छा, ऐसी कोई समस्या जो अभी तक के 5 साल के कार्यकाल में चलती आ रही हो जिस उसका निवारण ना हो पाया? कई ऐसी समस्याएं जो हमसे पूर्व प्रधान उन्होंने समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पाया जी, मैं कोशिश करूँगा इस 5 साल में सभी समस्याओं का निस्तारण हो सके जी। अच्छा, जैसा कोरोना के काल के चलते हुए बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आप उनके गार्जियन से, उनके परिवार से क्या निवेदन करेंगे कि वो घर पर रहकर पढ़ाई कंटिन्यू करें? मेरे खुद के बच्चे, भाइयों के बच्चे, परिवार के बच्चे सभी वंचित हैं पढ़ाई से जी, और गांव के भी हैं जी। लेकिन सभी बच्चों से हम यही सीख देते हैं, निवेदन भी करते हैं उनसे कि अपने पढ़ाई पर ध्यान रखो जी, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर बैठ के दो, और अपने से जूनियर सीनियर, जूनियर है वो सीनियर के पास बैठे, उनसे पढ़ें जी। तो अच्छा, एक क्लास भी अगर आगे बच्चा वो कुछ ना कुछ जूनियर को सिखाएगा जी, तो ऐसे ही पढ़ाई कर सकते हैं पूरी। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे आगे। अच्छा, मैं अंत में चाहूँगा कि आप अभी, आपको जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, और आपको उन्होंने प्रधान पद सौंपा, तो अब आप एक बार हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सभी ग्राम पंचायत वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है उसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, वैसे मुझे प्यार देते रहे 5 साल, और उनका आभारी हूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटू भैया जी ने कहा कि आपने जो प्यार दिया है वो आप आगे 5 साल तक बनाए रखें,
और जिससे कि वो आपकी सेवा कर पाए। बने रही एचवी न्यूज़ मनीष।